आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये सरकार ने एक आंकड़ा निकाला है। पहले तो मैं ये यूट्यूब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने साफ करके एक आंकड़ा निकाला गुड गवर्नेंस का। और उस आंकड़े में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गुड गवर्नेंस का जो ढोल पीटा जाता था हमारे कठुआ में कि हम कठुआ में जो है गुड गवर्नेंस दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वालों को भी, और ये जो कुछ DDC बने हुए हैं, कुछ सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों को ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कठुआ का 14वां स्थान, कठुआ 14वें स्थान पे आया है कि 14th नंबर पे जो है कठुआ रहा है गुड गवर्नेंस देने में। जम्मू पहले पे, सांबा दूसरे पे, और बाकी श्रीनगर के एरियाज हैं। ये कौन सी गुड गवर्नेंस आप हमारे लोगों को दे रहे हो? जब टैक्सेस पे देने की बात आती है सबसे पहले कठुआ का नंबर आता है, जब कोई भी टैक्स लगाना हो, कोई भी अत्याचार करना हो तब कठुआ के लोगों की बात आती है, और जब उनको कोई सर्विस देने की बात आती है तब आप 14वां स्थान लेते हो। 14वें स्थान पे आने का क्या कारण है? इसकी जिम्मेवारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेनी चाहिए। और ये जो DDC वगैरह बने हुए हैं और जो कुछ नेता गले में पटा डाल के घूमते रहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेवारी लो और लोगों की जो परेशानी है उसको समझो। ये एक आईना है आपके लिए कि ये आंकड़ा सरकार ने निकाला है, ये कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये किसी विपक्षी पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये आपकी ही जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है उसने निकाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 से नीचे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उनको जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही हैं, वो हमारे लोगों को तंग कर रही है, हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे। ये आंकड़ा यही दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे लोग तंग हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए कहीं भी काम नहीं हो रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पे पटवार खाना में 2-4 हल्के पटवार खाना गए हैं, लेकिन वहां पे 2 पटवारी हैं, 2 पटवारियों को एडिशनल चार्ज दिया गया है, 1 पटवारी 2 हल्के लेके बैठा हुआ है। मेरे को बताओ अब आगे घरदोरियां करने का समय आएगा, क्या 1 पटवारी 2 हल्कों में जा सकेगा? 1 हल्का इतना बड़ा होता है वो नहीं संभाला जाता। आप ये लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकते हो? और वो सत्ताधारी पार्टियां, वो DDC के मेंबर जो अभी ढोल पीट रहे हैं कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, हम चुनाव कराने के बुकलेटें जारी कर रहे हैं कि बुकलेटों में हम दिखाएंगे कि हमने क्या कार्य किए हैं, ये कार्य किए हैं, हमने 14वें स्थान पे कठुआ को लाया है। और आज पेंशनों की हालत देखो, पेंशनें बंद हुई हैं बुजुर्गों की, 3-3 महीने के बाद पेंशनें आ रही हैं, ये गवर्नेंस दे रहे हो? आपने जो 20 रुपए की नकल एक किसान को मिलती थी अपनी जमीन की, सीधी 500 रुपए की कर दी। ये 20 रुपए की जो 500 की उसकी सर्विस क्या दे रहे हो आप उस किसान को? जहां आपको पटवारी बढ़ाने चाहिए थे, जब जनता बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वहां पे पटवारी भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपने जहां पे 4 पटवारी थे वहां पे 2 पटवारी कर दिए। 2 जो पटवारी कम है वो कौन करेगा? मैं ये जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर जो वो 2 वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं पटवारियों की तरफ तयवाल की और दूसरे एरिया की, उसको नहीं भरा गया तो 10 दिन के बाद SG प्रशासन, ये मनोज सिन्हा जी का पुतला चलाया जाएगा। उसकी जिम्मेवारी ये कठुआ DC की, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये जो उनके DDC BDC बने हुए हैं इनकी होगी, क्योंकि ये इनका कार्य है। इन्होंने सिवाय जनता को तंग करने के कोई काम नहीं किया है। जब टैक्स लेने हो, जब इन्होंने रेट बढ़ाने हो सिलेंडर के रेट, टैक्स इनको देते जाइए लेकिन सर्विस ये किसी को नहीं देंगे। इसलिए मैं ये बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने इनको ये एक आईना दिखाया है जो ये झूठा डोल पीटते हैं। मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ कि जनता भी ये देखे और इनसे पूछे, जब ये इलेक्शन में चुनाव में आए कि हमने काम किए, पूछो अगर आपने काम किए तो 14वें स्थान पे क्यों आए हो। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप बुकलेट जारी करते हो कि अपनी बुकलेट में ये भी दिखाते हो कि कठुआ का कौन सा स्थान, आप कठुआ के सांसद हो, कठुआ आपका क्षेत्र है, कठुआ उधमपुर डोडा आपका क्षेत्र आता है, मेरे को लगता है उधमपुर भी जो आया है वो 10वें स्थान के नीचे आया है। कठुआ उधमपुर की ये हालत आपने कर दी है, आने वाले समय में आप किस प्रकार जनता की आंखों में धूल झोंकते हो ये आईना देख लो। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी जो पटवारी की वो पड़ी हुई है खाली, क्योंकि हमारे किसान परेशान हो रहे हैं, और आने वाले समय में गुरदोरियों का समय आएगा जब झूठी गुरदोरियां घरों में बैठ के ना करे, पटवारियों को फील्ड में भेजे और जो पटवारी की पोस्ट है उनको पूरा करे। जय हिंद जय भारत। फेलियर है जो इन्होंने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट का, मैं कहता लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये टोटली फेलियर है, और इसकी जिम्मेवारी सत्ताधारी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डोल पीटते हैं गुड गवर्नेंस का, और ये कहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं। अगर आप जनता के बीच में रहते तो ये आंकड़ा निकलने से पहले आपको जनता का हाल पता होता कि आज जनता कैसे बेहाल है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल में जनता बेहाल है।
आज जाइए आप हर वार्ड में, जाइए हर मोहल्ले में जाइए, आज लोग बेहाल पड़े हैं। आप बिजली का कर देख लीजिए, बिल बढ़ाए हैं, बिल जो 200 का आता था आज हजारों में आ रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी सर्विस देने की, रात को बिजली नहीं आएगी, वो बच्चों का क्या होगा? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करेंगे? क्या इनको बच्चों के भविष्य की भी कोई चिंता है या ना है? क्योंकि ना पानी है ना बिजली है, सिर्फ है तो सिर्फ टैक्सों की मार है। जो टैक्स हो सकता है वो ये जनता पे थोप रहे हैं। क्या ये टैक्स थोपने के लिए सरकार है? आने वाले समय में इनका बोरिया बिस्तर तो जनता गोल करेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जनता जाते जाते ही थोड़ा सा सुधर जाओ, देर आए दुरुस्त आए ये तो कहने के काबिल रह जाओ। जय।